देखो यार, अपडेट के बाद वन टैप मारना M5A से बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला वो अभी ध्यान से सुन लो। बहुत सारी वीडियो आपने देख रखा होगा कि वन टैप कैसे मारे M5A से, बट वो पहले का ट्रिक था, ठीक है। अभी जो अपडेट के बाद जो भी अपडेट हुआ था उसके बाद बहुत सारे बंदे M5A चलाना ही छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि उनका हेडशॉट नहीं लगता था और वो बहुत सारी वीडियो भी यूट्यूब पे देख रखे थे, बट उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। तो देखो फायदा क्यों नहीं हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपने जो भी वीडियो देखा होगा उसमें बंदे जो भी आपको यूट्यूबर है वो आपके फायर बटन का साइज बता देते थे, ठीक है। दूसरा बात, आपको सेंसिटिविटी कितना रखना है वो बता देते थे। तीसरी बात, आपको कैसे फायर को मतलब फायर बटन को ड्रैग कैसे करना है वो बता देते थे। लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि आपके फोन के हिसाब से किस तरीके से ड्रैग करना चाहिए, आपके फोन के हिसाब से किस तरीके का फायर बटन का साइज रखना चाहिए और आपके फोन के हिसाब से किस तरीके का सेंसिटिविटी क्या रखना चाहिए। ये चीज वो लोग नहीं बताते थे, इसी कारण आपका हेडशॉट नहीं लगा। बहुत सारे बंदे का अच्छा खासा रेम होता है, अच्छा खासा रेम वाला डिवाइस होता है और वो सेम सेटिंग रख लेते जो यूट्यूबर उनको बताए, तो यार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपका डिवाइस अलग है, आपका रेम अलग है, आपका सेंसिटिविटी अलग है, आपका DPI अलग है। ध्यान से समझना बात को मैं क्या समझा रहा हूँ। तो आपके फोन के हिसाब से आपका फायर बटन का साइज होना चाहिए, सेंसिटिविटी होना चाहिए और रोटेशन ड्रैग आपके फोन के हिसाब से करोगे तभी हेडशॉट लगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा किस तरीके से आप ड्रैग करोगे। आपके 4GB रैम वाला फोन है तो आपको कितना फायर बटन रखना है, कितना सेंसिटिविटी रखना है। अगर 3GB रैम वाला फोन है तो आपको कितना फायर बटन रखना है, और ज्यादा वाला है तो भी मैं उसका भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में पूरा M500 को खोल के बजा देने वाले, मतलब समझ रहे, M500 का पूरा एकदम समझा देने वाले कैसे कैसे आपको हेडशॉट मारना है इससे। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। देखो अगर आपका फोन 2GB रैम वाला है तो आपको सेंसिटिविटी जनरल वाला 100 कर देना है, रेड डॉट 100 कर देना है, बाकी का आप कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं 3GB रैम वाले फोन के लिए कितना सेंसिटिविटी रखना चाहिए। तो देखो 3GB रैम वाले के लिए आपको जनरल 100 कर देना है और रेड डॉट आपको 99 या 98 रखना है। 3GB रैम वाले के लिए बता रहा हूँ, 99 या 98 रख लो, इतना में काम बन जाएगा आपका। अभी 4GB रैम वाले के लिए आपको रखना है 95, ठीक है। 4GB रैम वाले के लिए 95 से 97 तक आप रख सकते हो, रेड डॉट ओनली की बात कर रहा हूँ, और जनरल को 100 ही रखना है। अभी 6GB रैम वाले के लिए कितना रखना है, तो आपको जनरल 100 कर देना है, रेड डॉट आप 94 से लेके 97 के बीच में रख सकते हो 6GB रैम वाले के लिए। 8GB रैम वाले के लिए कितना रखना चाहिए, तो 90 से लेके 97 तक आप 8GB रैम वाले रेड डॉट को रख सकते हैं। और सभी फोन में जनरल को हमेशा 100 कर देना है, क्योंकि जनरल को अगर आप कम करते हो तो आपका मूवमेंट खराब हो जाएगा, और मूवमेंट खराब होगा तो आप कहीं भी फंस सकते हो, मतलब 1v2 का सिचुएशन में बार बार फंस जाओगे अगर आपका जनरल कम होगा तो आपको जनरल 100 रख देना है और रेड डॉट आपको अपने फोन के हिसाब से रख लेना है। अब पॉइंट नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं फायर बटन के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ड्रैग कैसे करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं M500 को लेके। तो गाइस हम लोग देख लेते हैं फायर बटन का साइज कितना रखना है। देखो अगर आपको फोन 2GB रैम वाला है तो आपको फायर बटन 40 से लेके 45 के बीच में रखना है, और अगर आपका फोन 3GB रैम वाला है तो आपको 45 से लेके 48 तक रख लेना है, और आप 45 से नीचे भी रख सकते हो, मतलब 42-43 ऐसा कुछ रख सकते हो। और आपका 4GB रैम वाला फोन है तो आपको 45 से लेके 50 के बीच में रख लेना है, आप 45 से नीचे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको 50 से ऊपर नहीं जाना है। अब 6GB रैम वाले और 8GB रैम वाले को आपको सेम ही रखना है, आपको 50 से लेके आपको 55 तक रख लेना है। 50 से नीचे करोगे तो और भी बढ़िया ड्रैग होगा, ड्रैग आप SMG में करोगे तो बहुत एकदम रापचिक वाला दिखेगा उधर हेडशॉट, लेकिन आपको 55 से ऊपर नहीं करना है। गाइस बात कर लेते हैं आपको एम कहां पे रखना है। देखो अगर सामने वाला बंदा सीधा खड़ा होकर आपको फायर कर रहा है ना, तो आप इधर एम रख सकते हो और इधर रख के आपको रोटेशन ड्रैग करना है। रोटेशन ड्रैग में आपको जस्ट इसके बाद बता देता हूं, बट उससे पहले देख लो आपको पोजीशन कहां पे रखना है, आपका एम कहां पे होना चाहिए, और आपका एम हमेशा रेड होना चाहिए ना कि वाइट, ठीक है, रेड होना चाहिए। और आपको पोजीशन यहां पे रखना है, एम को आप यहां रख सकते हो या फिर यहां भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ध्यान देना कि आपका
एम रेड होना चाहिए, इतना ही काफी है, ठीक है। उसके बाद आपको रोटेशन ड्रैग कर देना है। अब रोटेशन ड्रैग कैसे करोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ इसके जस्ट बाद। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देखो एम को आप इतना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते अगर सामने वाला बंदा मूवमेंट में हो तो आपको करना क्या ना, एकदम सिंपल सा देख लेना है कि आपका रेड मतलब एम रेड हो रहा है कि नहीं। जैसे ही रेड होता है आपका काम उधर बन गया, मतलब आपका पोजीशन सेट हो गया आपका एम का, ठीक है। आपको फिर उधर से कुछ नहीं करना, बस आपको रोटेशन ड्रैग कर देना है। चलो अब ये बता देते हैं रोटेशन ड्रैग कैसे करते हैं। गाइस AIM 500 में आपको बहुत अलग तरीके से रोटेशन ड्रैग करना पड़ता है, जबकि शॉटगन में आपको एकदम सिंपल सा रोटेशन ड्रैग यूज करना पड़ता है। देखो शॉटगन में आपको एकदम स्लो मोशन वाला रोटेशन ड्रैग यूज करना होता है, जबकि आपको AIM 500 में ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पे एकदम क्विक सा रोटेशन ड्रैग यूज करना होता है, तभी आपका हेडशॉट लगेगा। चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्विक रोटेशन ड्रैग हेडशॉट मारना है आपको। तो यहाँ पे फायर बटन पे आप ध्यान देना, मैं किस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, मतलब तुरंत आपको रोटेट करना है, तभी आपका हेडशॉट लगेगा, नहीं तो बॉडी पे ही रुक जाएगा। और यहाँ पे शॉटगन की बात अलग होती है, वहां पे आप स्लो थोड़ा सा रोटेशन ड्रैग करोगे तब भी हेडशॉट लग जाता है, लेकिन AIM 500 में ऐसा नहीं होता। और हाँ यार देखो, जब भी बंदा सामने हो तो आपको बहुत जोर से क्विक आपको रोटेशन ड्रैग करना है, मतलब बंदा अगर सामने हो तो ज्यादा जोर से करना है, और एकदम दूर हो बंदा तो आपको AIM 500 से एकदम हल्का सा स्लो मोशन में आपको रोटेशन ड्रैग यूज करना है। यही फर्क होता है, सामने हो तो क्विक वाला करना है, लेकिन बहुत सारे बंदे तो क्लैशेस कोड में ही यूज करते हैं AIM 500 और BR रैंक वगैरह में तो यूज नहीं करते, इसलिए मैं आपको ये वाला ट्रिक बता रहा हूं, मतलब टिप्स बता रहा हूं कि आपको अगर बंदा सामने हो ना तो क्विक एकदम जोर से, समझ रहे हो बात को, जोर से भी करना है और एकदम जल्दी से भी रोटेशन करना है, और अगर बंदा दूर हो तो आपको थोड़ा सा स्लो और आपको कम ड्रैग करना है, तब एकदम मक्खन सा हेडशॉट देखने को मिल जाएगा। और फायर बटन को रोटेट कैसे करना है वो आप देख ही रहे हो, इस तरीके से रोटेट करना है, और बंदा सामने हो तो आपको क्विक और जोर से, मतलब ज्यादा रोटेट करना है और जल्दी से रोटेट करना है, और बंदा अगर दूर हो तो स्लो में आपको रोटेट करना है और थोड़ा धीरे रोटेट करना है, समझ रहे हो बात को। अब गाइस हम लोग बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। इसे देखो यार, सिंपल से मैं समझा देता हूँ आपको बोनस टिप में क्या बताने वाला हूँ। आपको जब भी आप रोटेशन ड्रैग यूज कर रहे हो AIM 500 से, तो आपको आपको जॉयस्टिक यूज नहीं करना, समझ रहे हो बात को। आप जब भी रोटेशन ड्रैग यूज करो या फिर कोई भी ड्रैग यूज करो AIM 500 को लेकर, तो आपको जॉयस्टिक यूज नहीं करना। जॉयस्टिक यूज करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है वन टिप मारना, तो आप ये अवॉइड करो, मतलब आप जिस टाइम फायर कर रहे होते तो आपको जॉयस्टिक यूज नहीं करना। अगर आप यूज करते हो तो आपका या तो एम ऊपर चला जाएगा या फिर बॉडी के इधर उधर लग जाएगा, तो ये ध्यान में रखना कि आपको जॉयस्टिक यूज नहीं करना। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।